हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। चलो आज दिखने वाले हैं 2021 का यानी 2021 का कौन सा गैसेज टेस्ट का जेईई का क्वेश्चन देखने वाले हैं। जेईई 2021 में कितना पूछा गया था, यानी कि चार क्वेश्चन पूरा पूछा गया था फरवरी में। दोनों सीट मिला करके दो दो क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर, लेकिन चारों क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। इसमें थोड़ा इजी था, इनिशियली इजी से कर रहे हैं, आगे जाके कुछ है कॉम्प्लिकेटेड तो कोई नहीं है, बस कैलकुलेशन है सब। बाकी सीधा फॉर्मूला लगाओगे वहाँ पे तुमको आंसर सबका मिलता जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये वाला देखो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या है नहीं है। अ सर्टेन गैस ऑबेस पी इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, द वैल्यू ऑफ डोजेट अपन डो पी डेट इज द पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी ऑफ जेड एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, यानी कि ये क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएशन है किसका, जेड का, किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, किसे उसका इतना वैल्यू आ रखा है। और यहाँ पे बोला कि वैल्यू जो एक्स दे रखा है उसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सिमिलरली क्या करना है, फाइनली हमको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। व्हाट इज द एक्स, दैट इज द माई क्वेश्चन। सो व्हाट वी हैव टू डू, चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम क्या करना है। पहले देखो जो दे रखा है उसको उधार, क्या दे रखा है, पी मोलर वॉल्यूम माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर टी। अब इसको क्या करो, एक्सपेंड करो, क्या करो, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड क्या करना, चलो इसको को तोड़ो, मल्टीप्लाई दोनों के लिए होगा। देखो ये गेट है, ये दोनों घर के अंदर, ये गेट को निकलेगा बाहर, निकलेगा तो ये देखो निकल गया बाहर दोनों, आर टी है। अब दोनों तरफ क्या करो, एल एच एस और आर एच एस में दोनों तरफ क्या करो, आर टी से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय आर टी ऑन बोथ साइड सो वी गेट। यानी कि जब डिवाइड किया गया किससे, आर टी से, दोनों साइड से, तो हमको क्या मिला वो देखो, सो वी गेट क्या क्या मिला, देखो पी वी एम के नीचे भी आर टी आ जाएगा, आर टी से हमने डिवाइड किया है तो, उसके बाद माइनस पी वी के अंदर भी आर टी आ जाएगा, ठीक है ना। और आर टी से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, वन आ जाएगा, आर टी अपन आर टी, टू वन जे टू कट जाता है, टू टू रहता है, तो यहाँ पे आर टी है, तो आर टी का टेबल पढ़ेंगे तो आर टी का वन बता टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा ये वाला। उसके बाद देखो तुमको मालूम होगा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वी नो, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, वी नो क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, क्या होता है, देखो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जानते हो, यहाँ पे जेड क्या चाहिए, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है जो गैस स्टेट में पढ़ाया जाता है, जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो ये फॉर्मूला होता है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है मालूम है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी एम अपॉन आर टी आता है, पी वी एम अपॉन क्या होता है, आर टी होता है। अगर पी वी एम अपॉन आर टी है यहाँ पर तो क्या करेंगे, यहाँ पर पी वी एम अपॉन आर टी, वहाँ पर जेड पुट कर सकते हैं, जेड पुट कर सकते हैं तो ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम कौन सा इक्वेशन वन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, पी वी एम की जगह पे कितना डाल सकते हैं, जेड आ सकते हैं, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड माइनस इक्वल टू नहीं है, माइनस पी वी अपॉन आर टी डेट इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे जेड है उसको एक साइड लेके चले जाते हैं, पी वी अपॉन आर टी। अब क्या करो कि अब किसके रिस्पेक्ट में चाहिए हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, पी के। यहाँ पे भी यहाँ पे देखो कंडीशन डाल दिया कि पी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, इसलिए यहाँ आर कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, पी का हमको पता नहीं था, वो स्पेसिफाई कर दिया, कौन क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया है कि टी को क्या रखना है, हमेशा हमको कांस्टेंट रखना है, इसीलिए टी को कांस्टेंट मानते हुए अगर डिफरेंशिएट यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है ना, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, पी के साथ करेंगे तो क्या आएगा, डो जेड अपॉन डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रख रहे हो, कॉन्स्टेंट रख रहे हो, अगर कॉन्स्टेंट नहीं रखता था फिर यहाँ पे यू इंटू वी लगता, फिर समझ में आ रहा है, मतलब कि फिर यू बाई वी जो होता है ना, अगर कॉन्स्टेंट नहीं तो इसको पहले टी को हटाना पड़ता, जेड के फॉर्म में लाना पड़ता, इसलिए यहाँ पे क्या पहले दे रखा है, टी को कॉन्स्टेंट दे रखा है। ओके, तो वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन विद रिस्पेक्ट टू पी क्या आएगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ पी बी अपॉन आर टी एट कॉन्स्टेंट डी पी क्या, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। ओके, तो ये वन का क्या होगा, कोई भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो तुम पढ़े होगे मैथमेटिक्स में क्या होता है,
हमेशा जीरो आता है। इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो आ जाएगा। प्लस देखो जो कॉन्स्टेंट होता है वो कहाँ चला जाता है, बाहर आ जाता है। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे पी सॉरी पी तो अंदर रहेगा, बी बाई आर टी, आर तो कॉन्स्टेंट है, ये टी भी कॉन्स्टेंट है, यहाँ से हमको पता चल गया हुआ है। तो यहाँ पे किसका रहेगा, डी पी अपॉन डी पी। ओके, ये डो पी अपॉन डो पी है, तो इसका क्या होगा, जब भी जैसे मान लो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा, वन होगा, यानी दोनों कट जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ डी पी अपॉन डी पी क्या होता है, वन होता है। यहाँ पे तो जीरो, जीरो तो हट गया, यहाँ पे बी आर टी डेट इंटू वन, वन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करेगा ना, यानी कि डो जेड अपॉन डो पी, डो जेड अपॉन डो पी डेट इज इक्वल टू बी आर पी। यहाँ पे देखो एक्स की जगह पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्स की जगह पे कितना पुट करेंगे कि इतना आ जाए, एक्स की जगह तो वन पुट कर देंगे तो आ जाएगा इतना, यानी एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर, वन दे रखा है। ठीक है, तो सो इसीलिए क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर, वन आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारा कितना वैल्यू आया डी जो डो जेड अपॉन डो टी का, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर कितना वैल्यू आया है, बी अपॉन आर टी। इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे वन डालना होगा, वन डालना होगा तो एक्स का वैल्यू कितना रखना होगा, वन डालना पड़ेगा हमको, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू वन। ओके, बस यही है इसका डेरिवेशन या सोल्यूशन। ये सब एकदम शॉर्ट कट में बना सकते हैं भाई, इतना कुछ करने में तुम लोग अभी बिगिनर्स हो, इसलिए हमने इसको क्या किया, थोड़ा लेंथी बनाया। चलो उतारो इसको, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, यानी थोड़ा कैलकुलेशन में अच्छा होगा इसमें। ठीक, कैलकुलेशन में जो मार्क आ गया वही वाला क्वेश्चन में भी मार्क आ जाएगा। अरे देखो इंटीजर का क्वेश्चन ही, जो जीमेन में पहले 30 जो है ना, 30 में से 5 क्वेश्चन जो इंटीजर आता है, इंटीजर में का एक क्वेश्चन है, यानी कि अगर डेसिमल में तुम्हारे पास वैल्यू आएगा तो उसका उसके आगे क्या आने वाला है, यानी किसी एक चीज़ के, जैसे कि मान लो 2.8 आया, ये किसके राउंड आ रहा है, 3 के राउंड आ रहा है, 3 लिखेंगे। अगर 2.1 आ रहा है तो किसके राउंड में आ रहा है, 2 के राउंड में आ रहा है, 2 के नजदीक आ रहा है इसलिए 2 लिखेंगे। यानी कि राउंड ऑफ में तुमको लिखना पड़ता है, जितना भी इंटीजर क्वेश्चन है उसका डेसिमल वैल्यू आता है उसका क्या करना पड़ेगा, तुमको राउंड में करके लिखना पड़ेगा। कितने होते हैं, क्या कि सीबीटी रहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, ये सब एग्जाम। ठीक, वहाँ पे क्या करते हैं, डेसिमल में आया ले बेटा पूरा डेसिमल में दे करके आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आर का वैल्यू देखो क्या है, क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इतना ग्राम ऑफ एसिटिलीन, कौन सा गैस यहाँ पे रहता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, इथाइन होता है, C2H2 होता है। ओके, गैस एट द 50 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर 740 mm ऑफ HG प्रेशर इज डैश लीटर, यानी तुमको वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले याद रखो जो दे रखा है उससे हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पहले क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं, कितना ग्राम, कितना ग्राम दे रहे हो, वेट ऑफ एसिटिलीन कितना दे रखा है, वेट वेट ऑफ एसिटिलीन कितना दे रखा है, वेट ऑफ C2H2 एसिटिलीन कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 4.75 ग्राम। हमको मालूम है मोलर वेट इसका कितना आता है, बताओ, CH2A2 का अगर इसका फॉर्मूला वेट अगर हम वेट करें कितना आता है इसका, क्या होता है, अगर मोल निकालते क्या होता है, गिवन वेट अपॉन फॉर्मूला वेट होता है। अगर फॉर्मूला वेट अगर हम बात इसकी करें, फॉर्मूला वेट ठीक है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, C2H2 का, C2 का कितना होता है, 12 होता है, कार्बन का 12 होता है, 12 कितना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है ना, 12 24 2 डेट इज इक्वल टू कितना, 26। अगर हम मोल की अगर बात करते हैं तो मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन फॉर्मूला वेट होता है, तो मोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल ऑफ C2H2 हम शॉर्टकट में बना रहे हैं। ठीक है, तो 4.75 अपॉन 2.6 जो आता है अप्रोक्स टू 2 अप्रोक्स कितना आता है, 0.2 किसके आता है, मोल के नजदीक आता है। ओके, टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर किसमें हम लोग हमेशा लेते हैं, टेम्परेचर दे रखा है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री अगर सेल्सियस की हम बात करते हैं तो टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर 50 है तो उसको केल्विन में बदल लेंगे, क्या करता हूँ 273 यानी 273 क्या करते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं, तो 273 प्लस अगर 50 की हम बात करते हैं कि क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, यानी कि 2323 आ जाएगा, 323 केल्विन आ गया, टेम्परेचर आ गया, मोल निकाल लिए। अब हमें क्या चाहिए, प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे देखो मरकरी में दे रखा है, MF HG। ठीक है, मरकरी देखो प्रेशर को अगर मरकरी वाली और प्रेशर को अगर ATM में बदलना होता है तो 760 से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। अगर 760 से अगर हम डिवाइड कर दिए तो किसमें बदल जाएगा, ये किसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ATM में बदल जाएगा।
ओके, तो 760 से अगर प्रेशर, प्रेशर कितना दे रखा है 740 mm ऑफ, कितना दे रखा है एचजी का दे रखा है, कितना दे रखा है mm ऑफ एचजी। हम इसको क्या करना है एटीएम, ठीक है ना, पी इन एचजी दे रखा है, ये mm दे रखा है, ओके। अगर हम पी एटीएम निकालते हैं, पी एटीएम तो क्या करना पड़ेगा, इसको 740 से 760 को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, जो आता है 0.97। किसके नजदीक है, 1 के नजदीक है, ये अप्रॉक्स 297 किसके नजदीक है, 1 के नजदीक है, इसके 9 के है, ये अप्रॉक्स 1। हमने क्या किया इसका लिख दिया, ओके। अब हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम बराबर वाट, ये निकालना है वॉल्यूम बराबर वाट, सिंपल है यार, हमको मालूम है, वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर पी, हमको वी निकालना है, तो क्या करेंगे पी को उधर भेज देंगे, एन पी वी अपॉन एन आर टी अपॉन पी, एन कितना दे रखा है 0.2 निकला, 0.2 डाल दो, ओके यहां से नीचे लिख लेते हैं, 0.2 डाल दिया, देखो लाइट भाग गया था इसलिए, चलो कितना दे रखा है एन, एन कितना 0.2 दे रखा है, आर आर का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला 0.0826 लेने के लिए बोला है, टेम्परेचर कितना निकला है, टेम्परेचर अपना कितना निकला 223 निकला हुआ है, 323 अपॉन प्रेशर कितना निकला हुआ है, वन निकला हुआ है, तो मन दो चीज नीचे चाहे मत दो। अब क्या करना है, इसको गुना करके मल्टीप्लीकेशन करके लिख देना है, सिंपली करो, कैलकुलेशन अगर आता है तो करना है, तो करो, 2 6 कितना आता है, पहले काम करो, एक टू इसको हटा दो नीचे, यहाँ पे 4 आ जाएगा 0, इसको हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा 5 0, ठीक है ना, सिंपल नंबर बच गया, तो 2 को इसको करेंगे 2 6 12 आ गया, 2 2 4 4 1 5 2 8 कितना होता है 16 आ गया, इसको क्या करो 3 2 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 3 5 15 3 6 18 18 1 19 3 1 1 and 4 आ गया 2, सिंपल है, 2 6 12 2 2 4 2 8 16 2 3 2 3 से 3 2 6 3 5 15 3 6 18 1 19 3 9 3 and 3, ठीक है, 2 2 4 2 5 10 2 सी का कितना होता है 2 1 1 13 2 1 2 2 2 and 1 कितना होता है 3 होता है, ओके ये आ जाएगा सिंपल 5 9 4, ओके यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, 5 3 8 13 1 14 यहाँ पे भी 13 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.3 कितना आ गया 5 कितना आ गया 5 3 3 5 3 3 5 9 6 अपॉन कितना 0 नीचे 1 2 3 4 5 इधर से भी भाग का तरीका ये सब बचपन में पढ़ाया जाता है, ये सब हम बताने वाले हैं, 5 पॉइंट कितना गया 3 3 6 आ गया लोगों, ठीक है ना। अभी किसके नजदीक है, 5 के नजदीक है या 6 के नजदीक है, राउंड ऑफ में निकला है निकालना है, इसलिए ये किसके नजदीक है 5 के नजदीक, इसलिए इसका इंटीजर वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ओके। ये सब कैलकुलेशन क्या कर भाई, ये सब कैलकुलेशन नहीं आता है नहीं, अगर पता चला तुमको अगर यहाँ पे का चाहिए ये सब कैसे आया तो भाग करके देख लेना, ठीक है ना, ये वाला तो मालूम ही है, ये वाला तो फॉर्मूला मास तुमको निकालने मालूम होनी चाहिए, ठीक, कैसे कितना होता नहीं होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 18 होता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल था C2 था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल था इसलिए क्या किए 1 से 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसका आंसर 26 आ गया था, ओके। ये अप्रॉक्स में आता है 0.2, ओके लास्ट में आएगा, चलो इसको तो उम्मीद करते हो तुमको पसंद आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो देखने में बड़ा क्या है लेकिन है कुछ नहीं है, पहले जो दे रखा है उसको निकालो, उसको पहले लिखो यहाँ पे नहीं, पहले क्या क्या दे रखा है, ए कार टायर इज फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस एट 35 PSI, नाइट्रोजन गैस PSI, PSI यूनिट मालूम है क्या होता है, प्रेशर दे रखा है, मान लो तुम्हारे पास P1 कितना दे रखा है 35 PSI, PSI का मतलब क्या होता है, PSI का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है पाउंड, ओके पर स्क्वायर इंच, क्या होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, ठीक है, जैसे एटीएम होता है, जैसे मान लो प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स होता है न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वैसा यहाँ पे क्या है पाउंड पर स्क्वायर इंच है यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह
पीएसआई का मतलब समझ में आ गया, आगे समझ में पीएसआई क्या दे रखा, प्रेशर दे रखा है। उसके बाद बोला एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 को अगर केल्विन में अगर हमको बदलना होता है तो क्या करते हैं, 273 + 27 कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, कितना मिल जाएगा हमको 300 केल्विन मिल जाएगा, मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे क्या है, इट विल ब्रश इफ प्रेशर एग्जिट्स 40 PSI, इट विल ब्रश यानी कि जो P2 पे अगर जाएगा तो 40 PSI अगर हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर प्रेशर देंगे तो क्या करेगा, ये टायर जो है क्या करेगा, ब्रश्ट हो जाएगा। ब्रश्ट का मतलब क्या होता है, ब्रश्ट का मतलब होता क्या है, यानी फट जाएगा सिंपल। तो बोर्ड है कि टेम्परेचर इन सेल्सियस एट विच ओके द कार टायर विल ब्रश्ट, यानी कि सेल्सियस में टेम्परेचर आपको निकालना है जहां पे क्या हुआ कार का टायर फट जाए। मान लो तुमने किसी गाड़ी लेके गया, हवा मार रहे हो मार रहे हो मार रहे हो, तुमको कितना देना था 35 देना था, गाड़ी में तो हवा बढ़ाते हैं ना 35, 33, 30 ऐसे, तूने क्या किया 40 मारा, ले बेटा फट गया, क्या करेगा करेगा अटेंट देना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या बोल रहा है 40 PSI इतना अगर जाएगा ठीक है तो क्या होगा टेम्परेचर क्या होगा ये बताने के लिए बोला गया है। यानी कि यहाँ पे तुमको T2 निकालना है, निकाल रहे हैं तुमने एक गैलुज़ेक लॉ पढ़ा था, गैलुज़ेक लॉ क्या आ रहा है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी कब होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे जैसे पी बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दिख रहा है 27 था ठीक है 40 बढ़ाएंगे तो वो टेम्परेचर पूछ रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग अगर उसके अंदर क्या देंगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर कमाएंगे तो क्या होगा टेम्परेचर भी कमेगा। तो उन्होंने क्या बताया, कौन बताया था ये गैलुज़ेक लॉ बताए थे, गैलुज़ेक लॉ उन्होंने क्या बताया था कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी तभी होगा जब एन और भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, क्या होगा एन और भी कॉन्स्टेंट होगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी तभी हो सकता है जब क्या होगा एन और भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। तो हमको मालूम है गैलुज़ेक लॉ से क्या होता है, गैलुज़ेक लॉ से हमको मालूम है क्या होगा, गैलुज़ेक लॉ अगर लगाएंगे तो क्या होगा पी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ठीक है, तो वी नो डैट, वी नो डैट क्या हम जानते हैं बताइए क्या जानते हैं, पी वन बराबर ये वाला फॉर्मूला आया होगा तुम्हारे पास P2/P2 हमको T2 निकालना है, पुट कर दे यहाँ पे P1 कितना है 35 PSI, 35 PSI, T1 कितना है 300 केल्विन है, 300 केल्विन है ओके। उसके बाद P2 कितना है, P2 हो गया 40 है और P2 तुमको निकालना है, कैलकुलेशन है निकालो, 8 सेकंड है 7500 हो गए ना और 5 मिनट तक कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो T2 = क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 × कितना आएगा 300 आएगा अपॉन कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2400/7, इसको देखो डिवाइड करके 2400 को 7 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 21 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 30 आ जाएगा, 7 × 4 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 27 × 6 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 × 2 = 14 आ गया, 7 × 2 = अगर 14 आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 7 × 14 = 0 आ जाएगा, 0.2 अगर डालेंगे तो 7 कितना आ जाएगा 7 × 8 = 10 आ जाएगा, एजर कितना आ जाएगा 7 × 8 = कितना आ जाएगा 56, यहाँ पे 4 आ गया 0, 7 कितना आ जाएगा 5000 ठीक है 35 ओके, यानी कितना आ गया 342 क्या आ जाएगा 85 कितना आ गया है। अब इसको क्या करना है, इसको सेल्सियस में आया, ये किस में आया है केल्विन में आया है, इन सेल्सियस अगर डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा टेम्परेचर T2 = कितना है, इसको क्या करना होगा 342.85 में से अगर हम 273 अगर हम तो माइनस कर दें तो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, आएगा कि नहीं आएगा चलो माइनस करो देखो क्या आने वाला है, इसका 5 8 करेगा 2 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बच जाएगा, यहाँ पे कितना 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा नहीं जाएगा तो कितना जाएगा 30 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा कितना आ गया, ये तो भैया किसके नज़दीक है 85 यानी 70 के नज़दीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस, तो मॉडल क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। PSI का मतलब समझ में आ गया, पाउंड स्क्वायर इंच है कि नहीं, पाउंड पर स्क्वायर इंच, जैसे यहाँ पे क्या होता था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं, ATM होता है, HG में होता है प्रेशर नापते हैं, उसी तरह ये क्या एक यूनिट है प्रेशर नापने के लिए ठीक। टेम्परेचर दे रखा है और जब भी देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है और जब प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है
कि टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़े, यानी कि प्रेशर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेम्परेचर के। इसलिए हमने क्या लगाया, कहाँ से लगाया, गे-लुजैक लॉ से लगाया है। क्या गे-लुजैक ने क्या बताया था, जब दोनों प्रोपोर्शनलिटी होते हैं तो पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू होता है। चलो उतारो, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। इसके अंदर क्या है, देखो क्या दे रखा है, 3.12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन 1.2 ग्राम ऑफ प्लैटिनम। कोई प्लैटिनम मेटल है, उसके ऊपर क्या है, एब्जॉर्ब हुआ हुआ है, कौन सा, यानी कौन सा गैस एब्जॉर्ब हुआ हुआ है, ऑक्सीजन गैस, क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट एट 1 atm एंड 300 kelvin liter is, यानी क्या निकालना है हमको, जो एब्जॉर्बेंट पे जो एब्जॉर्ब हुआ हुआ है उस पे उसका क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है पर ग्राम पे, इतना ग्राम पे, यानी कि इतना ग्राम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ हुआ है, जो निकलेगा इतना ग्राम का निकलेगा, इतना ग्राम का, लेकिन हमको कितना ग्राम पे निकालना है, 1 ग्राम पे निकालना है, ठीक है ना। लास्ट में क्या करेंगे, जो भी निकलेगा इससे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। चलो ठीक है, आ जाओ सवाल पे आते हैं। ओके, यहाँ पे देखो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, मास ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2 कितना दे रखा है, 3.12। मोलर मास कितना है इसका, फॉर्मूला मेट कितना, या मोलर मास को जो भी लिख लो, फॉर्मूला वेट कितना है, फॉर्मूला मास कितना है इसका, कितना है फॉर्मूला मास O2 का, फॉर्मूला मास ऑफ O2 कितना होता है बताओ तो हमको, 16 होता है मास। ओके, और क्या हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे, इसलिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। ओके, और मोल ऑफ O2 कितना आ जाएगा, मोल ऑफ O2 क्या हो जाएगा, 3.12 डिवाइड, क्या होता है मोल का फॉर्मूला, गिवन यूनिट ऑफ मोलर वेट या फॉर्मूला वेट दोनों सेम है, 32 आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, ये मोल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर कितना दे रखा है, 1 atm, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। ओके, कितना दे रखा है टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, 300 केल्विन डाल दिए। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम तुमको फाइंड करना है, ठीक है, कितना पे पर ग्राम, कितना पे चाहिए हमको पर ग्राम वॉल्यूम पे। ओके, इंटीजर का सवाल है ये सब, इंटीजर में क्या होता है, राउंड ऑफ वॉल्यूम, राउंड ऑफ वैल्यू में हम लोग को आंसर पुट करना पड़ता है ना, इस यहाँ पे ऑप्शन देगा नहीं कुछ, यहाँ से वॉल्यूम निकालते हैं, वही लोग बच्चे लोग क्या करते हैं वहाँ पे मार करके आ जाते हैं, लिख करके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं, क्या पता चल रहा है कि पर ग्राम पे हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या कैसे निकलता है बताओ, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमको क्या चाहिए, वी चाहिए, तो वी अगर चाहिए तो एन आर टी, टी को इतना देना पड़ेगा, टी लेके आ गया, तो वी, वी कितना दे रखा है बताओ, बी हमको चाहिए निकालना, एन कितना दे रखा है, एन इतना आ गया है, इतना आ गया है 3.12 अपॉन कितना आ जाएगा 32 बट, ठीक है, कितना आ जाएगा आर, आर का वैल्यू कितना दे रखा है 0.0821 दे रखा है। ओके, टी का वैल्यू कितना दे रखा है 300 दे रखा है, ठीक है, टी का वैल्यू कितना दे रखा है 1 atm दे रखा है, तो वहाँ लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। देखो आर से काट के देखो इसको, 8 4 32, 8 3 26 24, 8 9 कितना आ जाएगा यहाँ पर 72 आ जाएगा, 24 7 बचा इसमें, 7 to 72। ओके, अब बाकी क्या करो, जो भी है ई पॉइंट से क्या करेगा, ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया 39 into क्या बचे 8 2 1, इसको पॉइंट से हटाएंगे तो 1 2 3 4 नीचे जीरो आ जाएगा, आ जाएगा 8 2 1 अपॉन कितना आ जाएगा 4 into क्या आ जाएगा 1/1 2 3 4 1/10^4 0। ओके, अब ये दोनों क्या करो, मल्टीप्लाई करके किससे कर दो, इससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड करो, ये सब तो तुम लोग खुद से कर सकते हो, चलो हम ही कर दे रहे हो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 भी है ना, यहाँ पर 3 भी है, ये वाला 3 बचा हुआ है, ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 9 1 9 9 2 18 9 8 कितना होता है 72 72 1 73 3 1 3 3 2 6 3 8 24 9 8 3 8 3 11 होता है 6 3 9 8 10 4 11 12
इसको किससे करना है, नाइन थ्री से फिर से करना है, नाइन थ्री नाइन तो कितना होता है 27, थ्री वन या थ्री टू फाइव, थ्री जीरो जीरो, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा कितना होता है नाइन होता है। आ गया, अब इसको क्या करना है, नाइन सिक्स जीरो फाइव सेवन और किससे डिवाइड करना है, फोर से डिवाइड करना है, तो फोर टू जा कितना आ जाएगा एट आ जाएगा, फोर फोर जा कितना आ जाएगा सिक्सटीन आ जाएगा, ये तो कट गया, ये जीरो उतरेगा यहाँ पे फाइव, यहाँ पे जीरो उतार देंगे, फोर वन जा फोर ओके, वन आ जाएगा सेवनटीन, फोर फोर जा कितना आ जाएगा सिक्सटीन आ जाएगा, ये कट जाएगा वन बचेगा यहाँ पे जीरो, फोर टू जार एट ओके, यहाँ पे टू जीरो, फोर फाइव जार ट्वेंटी ओके, कितना आ गया इतना हमारे पास आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे देखो टू फोर जीरो वन फोर पॉइंट टू फाइव आ गया, कितना आ गया इसको मिटा देगा, इसको हम क्या कर रहे हैं मिटा दे रहे हैं ओके। अब नीचे कितना दे रखा है ये 1000, ये तो है 10000, यहाँ पे आराम से अपनी जगह बैठा हुआ, इसका मतलब क्या होता है जितना नीचे जीरो रहता है उतना लेफ्ट साइड से गिन कर क्या करें पॉइंट बैठा देते हैं नहीं, टू फोर वन फोर टू फाइव ओके, ये देखो ये टू के नजदीक है या थ्री के नजदीक है, ये अप्रोक्स टू टू के नजदीक है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा टू आंसर इसका आएगा ओके। अगर 2.5 से ऊपर रहता ऐसे करके तो किसके वैल्यू किसके नजदीक लिखते हैं थ्री के नजदीक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 2.4, इसलिए किसके नजदीक है ये वाला टू के नजदीक है, इसलिए कितना कितना आया इसका टू आया, अभी तक पूरा अच्छा से आंसर नहीं आया, कितना आया 2.4 आया, अभी पूरा आंसर नहीं आया हमने बोला था ठीक है ना, ये कितना आ गया 2.4 लिख सकते हैं, फोर लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है हमको पर ग्राम चाहिए, ये कितने ग्राम निकला 1.2 ग्राम ऑफ प्लेटिनम पे कितना वॉल्यूम है प्लेटिनम पे है कि नहीं, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन कितना है 2.4 है, 1.2 ग्राम ऑफ है नहीं प्लेटिनम पे कितना है 2 ग्राम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या है ऑक्सीजन ओके, इसलिए 1 ग्राम पे हमको निकालना है, 1 ग्राम ऑफ प्लेटिनम पे कितना निकल जाएगा 1 ग्राम ऑफ प्लेटिनम पे 2.4 डिवाइडेड बाय कितना 1.2 2.4 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यही है यहाँ से 2 1 कट जाएगा यानी कितना आंसर आ जाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ओके, यहाँ से भी 2 आया वहाँ से भी 2 आ सकता था ठीक है, तो अप्रोक्स वैल्यू कितना आ गया 2 आंसर आपका आया, चलो उतारो।